मैं मूल निवासी जय भारत, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल में जिसका नाम है एवन टीवी। एवन टीवी के माध्यम से एक कार्यक्रम शुरू किया है जिसका नाम है खबरों का उड़न खटोला, जिसमें आपको दिखाई जाती है प्रतिदिन ताजा खबरें। आइए देखते हैं आज की खबर। लखनऊ, मेरठ और मुरादाबाद में चिपके द्वारा पेट्रोल पंपों पर तेल की चोरी का सनसनीखेज मामला। चिपके द्वारा पेट्रोल की चोरी ने खड़े किए कई सवाल। अगर चिपके द्वारा हो सकती है तेलों की चोरी, तो क्या ईवीएम में चिप के माध्यम से नहीं हुआ होगा छेड़छाड़। मथुरा में बहन के सामने भाई की गोली मारकर हत्या। योगी राज में भी कायम है गुंडों का राज। मथुरा में बहन की इज्जत लूटने पर भाई ने किया विरोध। विरोध करने पर भाई को मिली मौत की सजा। इसको बैठा लिया सर, और सवारी उसमें थी या नहीं थी या उनकी कोई गैंग थी सर, बदमाशों की, वो सब गैंग इसको वहाँ से पहले तो कामा ले गई है सर, इसको घुमाया है। अंबाला चंडीगढ़ एक्सप्रेसवे प्लाजा टोल पर सीमा तोड़ रहे वीआईपी के लोग। सीएम सिक्योरिटी के साथ चलने वाली गाड़ी की बदतमीजी। वीवीआईपी का रोप दिखाकर मीडिया कर्मी से किया गाली गलौज। मोदी के आदेश के बाद अब भी जारी है वीआईपी लोगों का खौफ। इन सभी के बीच एक यही है योगी सरकार की हकीकत। योगी राज में दम तोड़ती 100 नंबर डायल पुलिस की गाड़ी। देखिए इस वीडियो को, योगी सरकार की अजीबोगरीब कहानी। सहायता के लिए बनी 100 नंबर की गाड़ी, ढो रही है सवारी। एक बार फिर आई देश पर आफत की आहट। आरएसएस ने थामा केंद्र से लेकर राज्य सरकारों की कमान। आरएसएस ने कहा 2024 तक प्रधानमंत्री की वैकेंसी बंद। 2019 में पीएम से हाथ धो सकते हैं मोदी। आरएसएस का 2025 में 100 साल पूरा। 100 साल पूरा होने पर देश के बर्बादी पर जश्न आसाम। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एक ही झटके में 2.25 लाख शिक्षा मित्र बने बेरोजगार। सुप्रीम कोर्ट कभी भी जारी कर सकता है आदेश। खत्म किया शिक्षा मित्रों की नियुक्ति वाली भर्ती। कहा फिर से कराई जाए शिक्षा मित्रों की भर्ती। Yeah.